हैं नौशाद अली अंसारी जी, जो बहुत ही मतलब उनका एक खास बात है कि उनकी हाइट बहुत लंबी है, वो 7 फुट 2 इंच है। जानना चाहेंगे नौशाद भाई क्या हो रहा है, आप क्या काम कर रहे हो और सीरियल वगैरह कर रहे हो, तो जानना चाहेंगे आपके बारे में। वैसे तो मेरा नाम नौशाद अली अंसारी है और मैं यूपी उत्तर प्रदेश मतलब गोरखपुर से हूँ। मेरा अभी एक शो आ रहा है स्टार प्लस पे जिसका नाम है कानपुर वाले खुराना, जिसमें सुन ग्रोवर है जो हम लोग का जीजा बने हैं, अली असगर उपासना जी, अदा खान, सूरी भाई, मैं, तो हम लोग साले का मतलब जीजा और साले कॉन्सेप्ट है तो हम लोग कर रहे हैं, जो सैटरडे और संडे को आता है स्टार प्लस में रात को 9:30 बजे। आपकी हाइट को लेकर हम बात करते हैं जी, दिक्कत क्या होती है और क्या एडवांटेज है? अभी तक तो मतलब मेरा उम्र हो गया अभी 28 साल का हूँ मैं, 28 साल का हूँ अभी तक कोई मतलब दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बस आगे देखेंगे उपरवाली की मर्जी क्या है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे डैडी भी हैं जो 7 फुट 1 इंच की जगह थे हैं अभी के नहीं है, मेरे भाई भी 7 फुट 2 इंच के हैं, मैं भी 7 फुट 2 इंच का हूँ, तो अभी तक कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि ये खानदानी परंपरा है। अगर हम अलग से किसी का हाइट बढ़ता है कोई दवा से या फिर कोई ऐसा हो गया तो उसको प्रॉब्लम होती है। हमारा जो हाइट है, हमारा भाई के भी लड़का हमारे जैसे होंगे, मेरे भी बच्चे मेरे जैसे होंगे और हमारे डैडी भी 7 फुट मतलब 2 इंच के हैं, सब लोग मतलब 3 भाई और डैडी मैं 7 फुट 2 इंच 1 इंच ऐसे। मेरा कहने का मतलब कि हम ट्रैवलिंग वगैरह कहाँ पर भी करते हैं, जैसे उस दौरान उस तरह की कोई कठिनाई है, जैसे बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, सीट छोटी होती है, क्या क्या उस तरह की? मैं अभी आपको बता दूँ, मैं कल एक फ़ोटो लिया, मेरे मतलब शूटिंग पे आए थे 9 दिन से देखी, तो उनके साथ मैं एक फ़ोटो लिया, उनके बलेटी पेन में मेरा सर लग रहा था और मैं मेरा सर को उसे नीचे झुकाया था यूँ, तो मैं शूटिंग में जाता हूँ तो मैं प्रोड्यूसर को बोल देता हूँ कि मुझे बलेटी पेन मत देना, मेरे को रूम चाहिए, बलेटी पेन में कम्फर्टेबल नहीं होता हूँ वैसे, और प्लेन में भी लगता है मेरे सर को, प्लेन में भी लगता है, बस में भी लगता है, तो मुँह भी झुका के चलना पड़ता है, ये तकलीफ तो मेरे को है, ऐसा तो तकलीफ रिक्शा ट्रेन बस सब में लगता है। पर एक जहाँ पर थोड़ी तकलीफ है वहाँ पर उसका फायदा भी है, उसका फायदा भी है कि आप एक इतने बहुत से मजमे में एक आप एक अलग से आपकी एक पहचान बन रही है। वो अल्लाह का शुक्र है करोड़ों में एक बनाया मेरे को, अब अगर आप देखा जाए सलमान सर, संजय दत्त, कोई भी हीरो ऐसे है ना, वो जरूर मेरे को पलट के देखते हैं एक बार, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है, इसको किताब किताब खजाना दे दो ना, दुनिया की किताब दौलत ला के दे दो, तो एक ये मतलब ये हाइट ये दौलत नहीं मिलती, ये गॉड गिफ्ट है, इसको ऊपर वाले ये ऊपर वाले देता है, मतलब पैसे हर चीज़ मिलता है लेकिन हाइट नहीं मिलती है। तो आपका अभी क्या प्लान है, सीरियल वगैरह तो कर रहे हैं, फिल्मों की ऑफर आ रही है क्या है? मेरे पास 2-3 कॉल आए हैं फिल्मों का, मैं उनको मतलब बोला भाई अगर कुछ अच्छा काम है तो मैं करूँगा, बेशक करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मैं वही तो करने आया हूँ यूपी से, तो करेंगे कुछ अगर काम आगे से आएगा करेंगे। वैसे ही मैं कॉमेडी क्लास किया 24 कॉमेडी बचाओ पुणे लाइव, अभी मेरा जो आ रहा है अपना कानपुर वाले खुराना, अच्छा चल रहा है वो, अच्छा चलेगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो फैमिली ऐसा है जीजा साली का कॉन्सेप्ट है, जिसको नाम दिया गया है ऊट पटान फैमिली, मतलब कोई 7 फुट का है तो कोई 4 फुट का है ऐसा, कोई मोटा सा तो कोई पतला सा, तो मतलब करेंगे मेहनत कर रहे हैं हम आपके सामने और सीख रहे हैं सिखा रहे हैं और आपको मतलब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो आपको बचपन से शौक था एक्टिंग का या फिर अभी आप कर रहे हो क्या? नहीं, मेरे को एक्चुअली जब मेरा उम्र 10 साल का था तो मैं कश्मीर चला गया था मेरे डैडी के मेरे चाचाओं के साथ में, तो शौक तो मेरा बचपन से है, क्योंकि मैं ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ पहले से दे रहा हूँ, हाइट की वजह से ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ मैं पहले से दे रहा हूँ, तो शौक मेरा पहले से था कि मैं जाऊँगा बॉम्बे में थोड़ा नाम कमाऊँगा, काम कमा करूँगा, फिल्म में काम करूँगा, टीवी सीरियल में काम करूँगा, तो शौक मेरा बचपन से जी। बस एक बार हम खाली आपके साथ जरा खड़े रहिए, नए साल की शुभकामनाएं दी आप सब लोग हमारी तरफ से, नए साल की शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि 2018 से 2019 आप लोगों के बहुत अच्छा सा मतलब टाइम भी निकले, क्योंकि खाली बातें आ रहे हैं आप भाई, अच्छे दिन आएंगे, मैं ऊपर से दुआ करता हूं कि अच्छे दिन आ जाए 2019 आप सबको, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आप सफल हो, आप जो चाह रहे हो, आप सीरियल वगैरह फिल्म वगैरह करना चाह रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू सर सो मच।